नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 0111-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। नमस्कार दोस्तों, एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल DNA में। दोस्तों, टाटा मोटर्स ने अपनी इंडिका, सुमो, सफारी जैसी गाड़ियों का उत्पादन समाप्त कर दिया है। लगभग 20 वर्षों तक टाटा ने जनता के लिए अपनी इन गाड़ियों का उत्पादन किया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये एक काफ़ी लंबा समय है तो आपको प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है और उन 10 कारों की इस लिस्ट पर नज़र डालने की जो कि वास्तव में इंडियन ऑटोमोबाइल में काफ़ी लंबे समय से अपना झंडा गाड़े हुए हैं। और अगर ये सब की सब गाड़ियाँ जिंदा इंसान होते तो इस लिस्ट की अधिकतर कारों को हमें बूढ़ों के रूप में क्लासिफाइड करना पड़ता। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा लंबे समय के लिए मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड, यानी कि सबसे ज़्यादा समय प्रोडक्शन में रही और बेची गई टॉप 10 कार्स के बारे में। अगर आप इन गाड़ियों को नहीं जानते तो चलिए जानते हैं इन 10 कारों के बारे में आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। इस लिस्ट में पूरे इंडिया में 10वें पायदान पर आई है मारुति वर्सा या फिर मारुति इको। ओरिजिनली इसे वर्सा के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था। मारुति की ये MPV अपने 9 साल के लाइफ साइकिल में सेल्स में कुछ खास आग नहीं लगा पाई, बावजूद इसके कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी इसे प्रमोट किया था। लेकिन 2010 में जब मारुति ने वर्सा को फिर से इको के रूप में तैयार किया और रीलॉन्च किया तो लोगों ने इसे काफ़ी बहुत ही ज़्यादा और अधिक पसंद किया और ये टैक्सी मार्केट में एक हिट प्रोडक्ट साबित हो गया। इसे 2001 में लॉन्च किया गया था और तब से लेकर आज तक 20 साल होने को है। इसका प्रोडक्शन आज भी जारी है। पिछले 20 सालों से ये कार भारतीय सड़कों पर जिंदा है। इस लिस्ट में पूरे इंडिया में 9वें पायदान पर आई है महिंद्रा बोलेरो। महिंद्रा का ये लंबी रेस का घोड़ा आपके उम्मीदों से भी अधिक समय तक भारतीय सड़कों पर मौजूद है। इसने सन 2000 में अपने जीवन की शुरुआत की थी, जिसे हार्ड, रफ एंड टफ, मल्टीपर्पज़ उपयोग के उद्देश्य से भारत के ग्रामीण इलाकों के लिए निर्माण किया गया था और उन्हीं ग्रामीण इलाकों में बोलेरो को सबसे अधिक सफलता मिली है। अपने इस 21 साल से लगातार चल रहे जीवन काल के दौरान इसे कई बार अपडेट किया गया। मैंने ऑलरेडी बोलेरो की हिस्ट्री और रीसेंट अपडेट पर अलग अलग वीडियो बनाई हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उनका लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से उसे आप देख सकते हैं। बोलेरो हमेशा समय के साथ साथ अपने आप को एक फ्रेश प्रोडक्ट बनाए रखने में कामयाब रही। इसे सन 2000 में लॉन्च किया गया था और तब से लेकर आज तक 21 साल पूरे होने को है। इसका प्रोडक्शन आज भी जारी है। पिछले 21 सालों से ये कार भारतीय सड़कों पर जिंदा है और आज भी ये काफ़ी डिसेंट सेल्स फिगर में बिक जाती है। इस लिस्ट में पूरे इंडिया में 8वें पायदान पर आई है दोस्तों टाटा की इंडिका। इंडिका को 1998 के ऑटो एक्सपो में काफ़ी धूमधाम से अनवील किया गया था और इसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। इटालियन डिज़ाइन हाउस IDE द्वारा स्टाइल्ड इंडिका भारत की सबसे पहली सही मायने में स्वदेशी कार थी एंड इट वॉज वेल प्रपोर्शन एंड ऑफर्ड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ स्पेस ऑन दी इनसाइड। इसके अलावा ये कार एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित हुई जब इसे 1998 के दिसंबर के महीने में लॉन्च किया गया था तो इसे मारुति 800 से लगभग 30,000 रुपये सस्ती कीमत के साथ भारतीय कार मार्केट में लॉन्च किया था, जिसने उस वक्त की किंग
मारुति 800 को बुरे तरीके से पछाड़ दिया था, लेकिन शुरुआती दौर में इसमें कुछ खामियां और कुछ कमियां भी थी। लेकिन इसके V2 मॉडल अपडेट के साथ जो सन 2001 में पेश किया गया था, उसमें इसकी सभी कमियों को दूर किया गया था और जिसकी वजह से ये सुनिश्चित हो गया कि इंडिका कई वर्षों तक सेल्स चार्ट पर लंबे समय तक अपनी पकड़ बनाए रखेगी। हालांकि अब इंडिका को टाटा मोटर्स की ओर से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, लेकिन इसने सन 1998 से लेकर सन 2018 तक 20 साल भारतीय सड़कों पर राज किया है। इस लिस्ट में पूरे इंडिया में सातवें पायदान पर आई है टाटा सफारी। लीजिए, इस लिस्ट में एक और टाटा की कार पेशे खिदमत है जिसका नाम है टाटा सफारी। शुरुआती वक्त में अर्ली 2000 के दशक से ही इसे पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हो गई थी। सफारी ने उस वक्त के कुछ अन्य माचो कार्स की तरह ही काम किया। सफारी एक टर्बो डीजल इंजन के साथ आती थी और चुनाव के समय में यह पॉलिटिशियंस की पसंदीदा कार थी। अपने 21 साल के जीवन काल के दौरान इसे कई बार अलग अलग तरीके से अपडेट किया गया। अपने वक्त में सफारी बिल्कुल भी सस्ती नहीं थी और इसके खिलाफ कई मॉडर्न कॉम्पिटिटर्स भी अवेलेबल थे, लेकिन इसके बावजूद उम्र बढ़ने के बाद भी सफारी के पास अपने खरीदने वाले वफादारों की कोई कमी नहीं थी। टाटा ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया है, लेकिन इसने सन 1998 से लेकर सन 2019 तक 21 साल इसने भारतीय सड़कों पर और अपने चाहने वालों के दिलों पर राज किया है। इस लिस्ट में पूरे इंडिया में छठे पायदान पर आई है एक बार फिर से टाटा की कार जिसका नाम है टाटा सुमो। टाटा सुमो 1994 से लेकर डिसकंटिन्यू होने तक ये एक बहुत ही अच्छी स्पेशियस रफ एंड टफ पीपल कैरियर रही है। बावजूद इसके कि इसने पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे अपडेट देखे हैं, इसका बेसिक फॉर्म्यूला एंड स्ट्रक्चर सेम ही था। मैक्सिमम सीट्स, मैक्सिमम प्रैक्टिकलिटी, बॉक्सी शेप एंड वैल्यू फॉर मनी प्राइस टैग की वजह से लोग इसे आज भी खरीदने को तैयार थे। सुमो के लिए इससे ज़्यादा मॉडर्न ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसे लेने की तमन्ना रखते हैं। इसने सन 1994 से लेकर सन 2019 तक लगभग 25 साल भारतीय सड़कों पर राज किया है। इस लिस्ट में पूरे इंडिया में पांचवें पायदान पर आई है मारुति 800। मारुति 800 इट्स द कार दैट एक्चुअली पुट इंडिया बिहाइंड द व्हील्स एंड दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट आइकॉनिक कार इन इंडियन कार हिस्ट्री। मारुति 800 ने बहुत ही बड़ी संख्या में भारतीय जनता का अपनी खुद की कार ड्राइव करने के सपने को साकार किया। मारुति 800 ने भारतीय लोगों को एक मॉडर्न डे स्मॉल फैमिली कार के रूप में अपने आप को पेश किया था। बहुत से भारतीय लोगों ने मारुति 800 में गाड़ी चलाना सीखा है इससे पहले कि 2014 में इसके लॉन्च के 3 दशक बाद इसे बंद कर दिया गया। यह मारुति कंपनी के लाइफ साइकिल में एक इम्पॉर्टेंट की प्रोडक्ट था और ये कहना गलत नहीं होगा कि आज भी अगर मारुति इसे बेचती तो अभी भी ग्रामीण भारत में इसे लेने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। इसने सन 1986 से लेकर सन 2014 तक 28 साल हम भारतीय लोगों के दिलों पर राज किया है। इस लिस्ट में पूरे भारत में चौथे पायदान पर आई है फिर से एक बार मारुति की कार जिसका नाम है मारुति जिप्सी। मारुति जिप्सी अ 4x4 कार इंडियन लर्न टू ऑफ रोड इन। आज भी ये कार लाखों दिलों की धड़कन है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये पुलिस और आर्मी की सबसे पसंदीदा कार है और संभवतः ये भारत की द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन रैली कार ऑफ ऑल टाइम कार है। आज की डेट में इसे केवल मेड टू ऑर्डर बनाया जाता है और वो भी केवल आर्म फोर्सेस के लिए। 1985 से लेकर पिछले 35 सालों से इसका सफर आज भी जारी है। इस लिस्ट में पूरे इंडिया में तीसरे पायदान पर आई है फिर से एक बार मारुति की कार और पेश खिदमत है इसका नाम जो कि है मारुति ओमनी। जब इसे 1984 में पेश किया गया था तब उसे केवल मारुति वैन के नाम से जाना जाता था, लेकिन कुछ सालों के बाद मारुति ने इसे ओमनी नाम दिया। लेकिन इसका उद्देश्य अभी भी वही था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, वो भी कम से कम पैसों में। 3 दशक बाद भी ओमनी पिछले 35 सालों से हमेशा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रही है। इतने सालों के बाद भी इसका 5-8 सीटर वर्जन केवल 3,36,000 रुपये तक मिल जाता था। इसने सन 1984 से लेकर सन 2019 तक 35 साल भारतीय दिलों में राज किया, भारतीय सड़कों पर राज किया। इस लिस्ट में पूरी इंडिया में दूसरे पायदान पर आने वाली कार है दोस्तों प्रीमियर की पद्मिनी 1100। अ कार राइवल टू द एम्बेसिडर द प्रीमियर पद्मिनी वॉज एसेंशियली फीएट 1100 डिलाइट का एक रीबैच वर्जन था जो 1964 में लॉन्च किया गया था। 8 साल बाद प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड ने फीएट की इस कार का
अपने खुद के वर्जन का प्रोडक्शन शुरू किया। उस कार का नया नाम था प्रेसिडेंट और फिर बाद में इसे पद्मिनी का नाम दिया गया। उस समय में एम्बेसडर के लिए ये एकमात्र ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होने की वजह से पद्मिनी 1980 के दशक से काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी और आज भी आप इसे मुंबई शहर में काली पीली टैक्सी के रूप में देखते हैं। इसने सन 1964 से लेकर सन 1998 तक लगभग 34 साल भारतीय सड़कों पर और भारतीय दिलों पर राज किया है। अब आगे चलते हैं और मुड़ते हैं इस लिस्ट की आखिरी कार पर। तो इस लिस्ट में पूरे इंडिया में पहले पायदान पर यानी कि नंबर वन के पायदान पर आई है दोस्तों हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर। ये लिस्ट इस कार के बिना कभी पूरी नहीं हो सकती, ये लिस्ट इस कार के बिना हमेशा अधूरी रहेगी। आपके परिवार के हर एक सदस्य के पास इस कार से जुड़ी किसी न किसी तरह की यादें ज़रूर होंगी, आपके दादा दादी से लेकर उनके 20 चचेरे भाइयों तक। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर लगभग आधी सदी से अधिक समय यानी कि 56 सालों तक सबकी पसंदीदा कार रही है। 1958 में लैंडमास्टर से निकलकर हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर ने हर भूमिका में अपने आप को साबित किया है, जैसे कि पॉलिटिकल लोगों की पसंद की सवारी से लेकर पीले रंग की कोलकाता टैक्सी तक। और जब 2014 में एम्बेसडर का प्रोडक्शन बंद हुआ तब ये कार 1958 से लेकर 2014 तक 56 साल हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनी हुई थी, जो आज इतिहास के पन्नों में गुमनाम हो गई है। तो कुल मिलाकर ये थी वो 10 कारें जो आज की इस लिस्ट में शामिल हुई हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।